पानी की बोतल ये 1.5 लीटर वाली मिलती है यहाँ पे 40,000 रियाल की। तो ये मैंगो शेक अपने को 7 लाख रियाल का पड़ा है, बताओ। अपने को एक अंडा यहाँ पे 20,000 रियाल का मिला है। तो देख रहे हो 10 किलोमीटर टैक्सी करने के लिए 3,10,000 लग रहे हैं। 23,50,000 का है ये न्यूटेला यहाँ। 1 करोड़ रियाल का हमें पर नाइट पड़ा है। 4,50,000 रियाल का सिर्फ 7G इंटरनेट मिल रहा है। यहाँ पे ईरान में भी भाई छपरी लोग है, लड़के लड़कियाँ दोनों ऐसे। तो यहाँ पे डीजल सस्ता है भाई पानी से भी, बताओ। अलग ही लेवल का देश है भाई ये। लो भाई सुबह सुबह जरा एक बार अपनी स्कॉर्पियो हैन के दर्शन कर लो। खातून होटल अपार्टमेंट में रुके हुए थे कल रात हम। एक और नया दिन, एक और नई जर्नी। आज है 10 जून 2023। मैं हूँ अभी ईरान के एक खूबसूरत शहर इस्फहान में। आप देख रहे हो भाई नमस्ते लंदन रोड ट्रिप का एक और नया एपिसोड स्पॉन्सर्ड बाय वाउस किंग्स। इस सीरीज में मैं निकला हुआ हूँ भाई अपनी स्कॉर्पियो हैन को लेके बाय रोड 110 दिनों के लिए 25 कंट्रीज कवर करते हुए 25,000 किलोमीटर गाड़ी चला के पहुंचूंगा दिल्ली से लंदन यूके में। कल वाले ब्लॉग में आपने देखा होगा हम आए थे भाई शिराज से इस्फहान तक लगभग कुछ 100 किलोमीटर था। काफी अच्छी ड्राइव थी। पूरा व्लॉग मैंने बनाया है कैसी रोड्स थी, कैसा हाईवे था, टोल टैक्स वगैरह की सारी इन्फॉर्मेशन दी है, आप चेकआउट कर सकते हो वो वाला व्लॉग। एंड पसंद आ रही है तो सब्सक्राइब जरूर मार देना और लाइक तो कर ही दिया करो भाई, बहुत कम लाइक आते हैं। बाकी इस्फहान सिटी में मेरे पास एक ही दिन है तो देखते हैं कितना एक्सप्लोर कर सकते हैं। और आज के इस व्लॉग में ना मैं आपको दिखाऊंगा कि ईरान इंडियंस के लिए या फिर पूरे वर्ल्ड के लिए कितना महंगा है, यहाँ पे कौन सी चीज कितने की मिलती है। बट ये वीडियो देखने से पहले ना मेरी करेंसी वाली वीडियो देख लेना, वरना आपको समझ नहीं आएगा यहाँ का क्या रेट वेट चल रहा है। उस करेंसी वीडियो में मैंने अच्छे से एक एक चीज समझा दी थी कि एक रियाल क्या है, एक तुमान क्या है। तो जब तक वो नहीं देखोगे तब तक भूल जाओ, इस वीडियो में आपको कुछ समझ आएगा, मतलब मैं कोशिश करूंगा समझाने की। कुछ खाया नहीं सुबह से, तो पहले यहाँ से एक मैंगो शेक पी लिया जाए। जरा देखते हैं कितने का मिलेगा बड़ा वाला ग्लास। मैंगो 1 ग्लास इंचांदा 70 ओके। तो 70 तुमान का यहाँ पे बड़े वाला गिलास है। बंदर आबाद में थोड़ा सस्ता था 50 तुमान का, बट हो सकता है गिलास का फर्क हो, तो एक बार देख लेते हैं। एंड यहाँ पे ना भाई ये सब बहुत बिकते हैं, फ्रूट केक्स वगैरह, ये देखो कितने सारे हैं। डोनट्स भी है एंड मिठाइयाँ भी काफी सारी है। यहाँ पे प्राइजेस तो उसमें ही लिखे हुए नंबर में, बट जो सामान का नाम है वो सारा पर्शियन में लिखा हुआ है, तो मुझे पता नहीं चल रहा कौन सी चीज कितने की है, इसलिए पूछनी पड़ती है भाई। और अगर आपको किसी भी चीज का प्राइस पूछना है ना तो आप हाउ मच तो ऐसे करके पूछ ही सकते हो, कई लोग समझ जाते हैं। बट यहाँ पे जो लोकल लैंग्वेज में बोलते हैं इन चांद आस, यानी कि ये कितने का, तो सिंपल सी टर्म है, आसानी से याद हो जाती है और बहुत हेल्पफुल है। ये यहाँ का 1 मिलियन रियाल का नोट है या फिर 100 तोमा। अब इसमें से 70 काटेंगे और 30 मुझे वापस दे देंगे, तो इंडियन करेंसी में कितने का पड़ा वो स्क्रीन पे आपको कन्वर्जन दिखता रहेगा। इस टाइम पे वैसे 1 तोमान यहाँ का इंडिया के 1.68 रुपीज के बराबर है, यानी कि ये जो 100 का नोट है इंडिया के 160 रुपीज है लगभग। लो भाई अपना मैंगो शेक आ गया, बट ये तो भाई बंदर अब्बास वाले गिलास से भी छोटा है, बट थिक ज्यादा लग रहा है ये, मतलब प्योर मैंगो का है यहाँ पे। सही में इस पान में महंगा मिला, ऊपर से इतना चील्ड कर दिया, गला खराब हो जाएगा, तो थोड़ी देर गर्म होने देता हूँ हल्का सा, फिर पीऊंगा। एंड ये मेरा लुक कैसा लग रहा है वो भी बताना। यहाँ पे ना गर्मी और धूप इतनी होती है इसलिए मैंने पहना हुआ है। ये भी मैंने कल शिराज के रस्ते में एक टूरिस्ट स्पॉट थी वहाँ से लिया था, कल वाले ब्लॉग में दिखाया था, अराउंड 1200 कुछ रुपए की दोनों चीजें पड़ी थी। बाकी टूरिस्ट स्पॉट था तो इसलिए महंगी पड़ी, सिटी में लेता तो सस्ती देते। ईरान में ना आपको जगह जगह पे ऐसे एटीएम मिल जाएंगे रोड पर ही, बट यहाँ पे इंडियन कार्ड चलते नहीं है, सिर्फ लोकल कार्ड ही चलते हैं। इंडियन छोड़ो, पूरे वर्ल्ड का कोई भी कार्ड ईरान में नहीं चलता, सिर्फ यहाँ के जो बैंक है उन्हीं के कार्ड से आप एटीएम से पैसा निकाल सकते हो। तो इसलिए एज अ टूरिस्ट हमको सिर्फ यहाँ पे कैश पे ही डिपेंडेंट रहना पड़ता है पूरा का पूरा, या तो डॉलर में या यहाँ की करेंसी, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। एंड जो यहाँ के लोकल लोग है ना भाई, वो कैश में डील ही नहीं करते, वो सिर्फ और सिर्फ कार्ड से ही पेमेंट करते हैं। मतलब आप छोटी सी दुकान ले लो, चाहे ये मैंगो शेक की दुकान थी, चाहे बड़ा कोई गाड़ी का शोरूम हो, हर जगह पे कार्ड मशीन लगी हुई है, वाईफाई लगा हुआ है उनके लिए, तो सारी पेमेंट लोकल्स जो है वो कार्ड से ही करते हैं। कैश में तो भाई लाखों करोड़ों रुपए का ऐसे हिसाब किताब सा हो जाता है, यहाँ पे नोट इतने बड़े बड़े लाखों के, इसलिए लोग प्रेफर करते हैं कार्ड यूज करना। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले भाई, अगर आप बिना मेहनत के पैसा कमाना चाहते हो ना, तो अभी के अभी हनीगेन का यूज करो। हनीगेन एक ऐसी ऐप है जो आपके डिवाइस के बैकग्राउंड में रन होती है एंड उसके बदले आपको पैसे बना के देती है। बट हाँ, ये मत सोचना कि इतने पैसे बना देगी कि हमारी तरह दिल्ली टू लंदन कर लोगे स्कॉर्पियो में, बट इतने तो कमाई लोगे कि मोबाइल रिचार्ज करवा सको या नेटफ्लिक्स की सब्सक्रिप्शन के पैसे भर सको। असल में हनीगेन आपके इंटरनेट कनेक्शन को यूज करती है एंड उसके बदले आपको पैसे देती है। अब आप सोचोगे ये इंटरनेट कनेक्शन को यूज करती है, कहीं डेटा तो नहीं लीक हो जाएगा? ये ऐप भाई बिल्कुल सेफ है, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। ये ऐप सिर्फ और सिर्फ आपका इंटरनेट कनेक्शन ही यूज करती है। इसके अलावा अगर आप और पैसा कमाना चाहते हो ना, तो इस ऐप को अपने दोस्तों या फैमिली मेंबर्स को रेकमेंड कर सकते हो, एंड अगर वो लोग आपके लिंक के थ्रू डाउनलोड करके यूज करेंगे तो उनकी लाइफ टाइम अर्निंग का 10% आपको भी मिलता रहेगा। तो इसलिए भाई देर किस चीज का, अभी के अभी जाके डाउनलोड करो, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखे हैं। एंड मेरा कूपन कोड यूज करना मत भूलना, जो कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा बैकपैकर, इसको यूज करने पे आपको इंस्टेंट $5 का साइन अप बोनस मिलेगा। और क्या चाहिए भाई साहब? अभी फिलहाल मैं कोई सुपरमार्केट ढूंढ रहा हूँ अंडे ब्रेड लेने हैं ब्रेकफास्ट करने के लिए, बट मिल नहीं रही।
भाई काफी देर चल लिया। गूगल करके देखता हूँ, इंटरनेट एक तो यहाँ पे ना चलता तो है बट स्पीड इतनी अच्छी नहीं है, और दूसरी चीज भाई आधी वेबसाइट ही नहीं चलती यूट्यूब जैसी, तो उसके लिए क्या वीपीएन लेना पड़ता है। सिम कार्ड लेने के लिए आपको कोई पासपोर्ट वासपोर्ट नहीं देना, नॉर्मली एम ही दे देते हैं स्टोर में। कोई अच्छा बंदा टकरा गया तो $2 यानी कि इंडिया के 150 रुपए में भी आपको सिम कार्ड मिल जाएगी, और जो लूटने वाले लोग होते हैं वो भाई $13-14 या $17 या $20 भी ले लेते हैं। तो देख लो 10 गुना का फर्क आ गया, तो बार्गेन कर लेना। मैंने $2 वाली सिम भी देखी है कई जगहों पे, और कई जगहों पे $16 मैंने ली दी है, और कुछ दुकानदार $17 भी लेते हैं। बाकी इंटरनेट यहाँ पे सस्ता है भाई, लगभग 7 GB इंटरनेट का रिचार्ज हो जाता है अराउंड इंडिया के 45 रुपए में, तो यहाँ की करेंसी में 30 तो मान का रिचार्ज है। एंड ये भी डिपेंड करता है भाई कोई कितने लेता है कोई कितने, बट 30 में मिल जाएगा आपको आराम से। तो हम तो सारे यूट्यूब की वीडियो उसी नेट से अपलोड कर रहे हैं, क्योंकि वाईफाई जितने भी होटल्स में है ना इतना घटिया है भाई क्या बताऊं, बस यूज करने लायक नहीं है। चलो शुक्र है भाई स्टोर मिल गया एक, लेट्स गो। जैसे इंडिया में अपना ट्रॉपिकाना का जूस आता है ना, यहाँ पे देखो सन स्टार करके है। एक तो यहाँ पे ना रेट लिखे नहीं होते, अब एक एक चीज का पूछना तो मुश्किल हो जाएगा, तो मेन मेन चीजें दिखाता हूँ आपको थोड़ी। अंडे तो मिल गए, चलो 10 ले लिए, देखते कितने के पड़ेंगे अपने को। एंड ब्रेड नहीं मिल रही भाई, ब्रेड कहाँ से लाऊं, लेकिन ओके ये रे बाहर पड़े है। ब्राउन ब्रेड तो नहीं, व्हाइट ब्रेड लेनी है दिस वन। बाकी ये वाले पाव टाइप के ना बहुत चलते हैं लंबे लंबे, और बर्गर भी है यार, मैं तो चलो बर्गर ही लूंगा भाई, ऑमलेट बना के खाऊंगा। पानी की बोतल ये 1.5 लीटर वाली मिलती है यहाँ पे 40,000 रियाल की, यानी कि इंडिया के 7 रुपए, और यहाँ के 4 तो मान। एक अंडा मेरे ख्याल से 3-4 रुपए का इंडिया के। मर्सी, यहाँ पे थैंक यू को बोलते हैं मर्सी। मर्सी वैसे तो एक फ्रेंच वर्ड है बट यहाँ पे बहुत चलता है, मतलब थैंक यू बोलना हो तो मर्सी बोलते हैं। काफी लोगों को लगता है कि अरेबिक में थैंक यू को जैसे वो बोलते शुक्रान, बट ईरान में नहीं चलता भाई वो, यहाँ पे मर्सी ही बोला जाता है फ्रेंच वर्ड। अपने को एक अंडा यहाँ पे 20,000 रियाल का मिला है अराउंड इंडिया के 3.5 रुपए का, तो ठीक ही है ना रेट, तो सस्ता है इंडिया में मेरे ख्याल 5-6 रुपए का हो रखा है अंडा, यहाँ पे आता ही है सीधा। और 2 लोगों के ब्रेकफास्ट करने का सामान लगभग इंडिया के 150 या 160 रुपए का आ गया। ये पूरा 60 में नहीं, 110 तो मान में आया है, उन्होंने बाद में 50 और लिए मेरे से। होटल भी दिखा देता हूँ आपको भाई हमारा, और रूम कैसा है वो भी। ये है भाई अपना तगड़ा सा अपार्टमेंट, एक वॉशरूम यहाँ है, ये लिविंग एरिया है, सोफा टीवी लगा हुआ है, एंड सबसे मेन भाई किचन है, वो देखो गैस स्टोव है, चिमनी है, फ्रिज भी है उधर, तो मस्त हम खाना वाना बना सकते हैं, गर्म कर सकते हैं, अंडे बनाएंगे और बंद के साथ। इधर यहाँ पे 2 रूम है, मतलब ये 2 BHK है एक तरह से। फर्स्ट रूम ये है जिसमें मैं रुका हुआ हूँ, यहाँ पे ना ठंडी रहती है तो इसलिए कूलर लगा हुआ है ये सेंट्रलाइज वाला, और हीटर दे रखे है हर रूम में। बाकी बाहर यहीं पे एक और वॉशरूम है नहाने के लिए खाली, एंड ये सेकंड बेडरूम है, यहाँ पे भी डबल बेड लगा हुआ है और सेम है वही। काफी सही है भाई, 1 करोड़ रियाल का हमें पर नाइट पड़ा, यानी कि 1 मिलियन तोमान, तो इंडिया के वही 1600 रुपए पर नाइट हो गया, जो कि काफी सही है। इतना बड़ा 2 BHK अपार्टमेंट मिल गया पूरा, और क्या चाहिए। ईरान के जितने भी होटल्स है ना सबके सब भाई आपका पासपोर्ट रखते हैं जब तक आप चेकआउट नहीं कर लेते, तो मैंने अभी अभी अपना पासपोर्ट लिया है, क्योंकि जब भी कहीं बाहर घूमने जाओ ना पासपोर्ट लेकर जाया करो, कोई पुलिस वाला रोके कुछ भी दिक्कत हो तो आप दिखा सको कि हाँ आप इंडिया से हो या एज अ टूरिस्ट हो। तो वीजा हो ना हो, वीजा भी वैसे होना चाहिए फोन में, बट पासपोर्ट जरूर होना चाहिए आपके साथ, तो मैंने अपना ले लिया। अभिषेक तो आया नहीं, वो रूम में ही है ऊपर। अच्छा सबसे इम्पोर्टेंट चीज भाई, हम क्योंकि रोड ट्रिप कर रहे हैं तो ऑब्वियसली भाई डीजल या पेट्रोल के प्राइस भी बताने पड़ेंगे ना आपको, क्योंकि उसके बिना अपनी गाड़ी चलेगी कैसे। हमारी तो गाड़ी डीजल है तो हम डीजल भरवाते हैं। ईरान में वैसे डीजल को लेके बहुत दिक्कत है, क्योंकि यहाँ पे ना सिर्फ जो बसेस होती है या ट्रक होते हैं उन्हीं में डीजल डलता है, जो नॉर्मल गाड़ी है ना वो सिर्फ पेट्रोल या CNG पे चलती है। बट अभी हम देखो एक पेट्रोल पंप पे आए हुए हैं, ये लाल कलर वाला डीजल स्टेशन है, क्योंकि यहाँ पे सारी बसेस खड़ी है, इससे हम पहचान लगा पाते हैं। उधर वाला जो है वो भी लाल कलर का, बट वहाँ पे सारी गाड़ियां खड़ी है जिसका मतलब वो पेट्रोल है, एंड वो जो सामने वाला है वहाँ पे CNG है सारी। तो अंदाजा आप लगा लेना यहाँ पे क्या है, वरना गलती से डीजल गाड़ी में पेट्रोल मत भरवा लेना और पेट्रोल गाड़ी में डीजल मत भरवा लेना। आगे चल के आपको रेट दिखाता हूँ कितने रुपए का है यहाँ। डीजल और पेट्रोल का प्राइस ईरान में सेम है अराउंड 30,000 रियाल में, या फिर 3,000 तोमान, अनऑफिशियल वाले 3 तोमान। तो इंडिया की करेंसी में देखो तो 5 रुपए का 1 लीटर डीजल और पेट्रोल आपको यहाँ पे मिल जाता है, जो कि भाई बहुत सस्ता है, बहुत सस्ता, 20 गुना से भी ज्यादा सस्ता। इंडिया में पेट्रोल मेरे ख्याल 100 टच हो रहा है, और कुछ कुछ स्टेट्स में तो 120 रुपए भी है, और डीजल 85 से 90 के बीच रहता है। तो सोचो भाई यहाँ पे 5 रुपए में मिल रहा है आपको, कितना सस्ता होगा। हालांकि डीजल इतनी अच्छी क्वालिटी का नहीं है, पेट्रोल अच्छा है यहाँ पे, क्योंकि गाड़ियां ज्यादातर पेट्रोल की है ना। बट ठीक है भाई, अब ईरान में चलाना है डीजल तो क्या ही है। टोटल हमने 4 से 5,000 किलोमीटर ईरान में कवर करने हैं, और आप सोचो 5,000 किलोमीटर के लिए अगर 10 की भी एवरेज हमारी स्कॉर्पियन निकाल दे, अराउंड 400 से 500 लीटर डीजल चाहिए, जो यहाँ पे कितने का आएगा 2,500-2,500 रुपए में। तो सोचो 2,000 के डीजल में हम पूरा ईरान क्रॉस कर जाएंगे भाई, गजब। अभी मैं इस फान के सबसे बड़े चर्च में जा रहा हूँ, गाड़ी नहीं ले जा रहा, गाड़ी खड़ी कर रखी है मैंने, क्योंकि सिटी ट्रैफिक में चलाने का मतलब नहीं, ऊपर से पार्किंग भी नहीं मिलती, तो बेटर है टैक्सी कर लो। और ईरान में स्नैप करके एक ऐप है, उससे आप टैक्सी वगैरह बुक कर सकते हो, बहुत सस्ती है भाई, बहुत सस्ती। डीजल मैंने आपको बताया ना कितना सस्ता है, इसी रीजन की वजह से टैक्सी भी बहुत सस्ती है। तो ये वो रोड है, एंड इस वाली गली में होटल है, यहीं से बुक कर लेता हूँ। सिंपल है बड़ा प्रोसीजर, बस ओरिजिन कन्फर्म करना है, कहाँ पे जाना है वो कन्फर्म करना है, जैसे मैंने जाना है बैंक कैथेड्रल, उसके बाद कन्फर्म कर देना है। एंड देखो भाई कितने 2 लाख
260,000 रियाल में टैक्सी बुक हो गई। चलो जितने ये सर्च कर रहा है जल्दी मिल जाएगी वैसे तो। 260,000 रियाल का मतलब है 26 तोमान, यानी कि इंडिया के बस 40 रुपए। यहाँ से 3 किलोमीटर है चर्च, 3 किलोमीटर के 40 रुपए सही है। तो इनिशियल अमाउंट होता है ना वो भाई ज्यादा ही लगता है, मतलब अगर आप 15 किलोमीटर 20 किलोमीटर जाओगे ना तो टैक्सी आपको सस्ती पड़ेगी, और 2-3 किलोमीटर जाने पे ऑब्वियसली महंगी पड़ती क्योंकि एक फिक्स चार्ज होता है, वो तो लगना ही लगना है। लो जी टैक्सी बुक भी हो गई है एंड 4 मिनट में आ रहे हैं ड्राइवर अपने। सलाम, हाउ आर यू। यहाँ ईरान की टैक्सियों में ना कोई भी मीटर वगैरह नहीं होता, नॉर्मल बेसिक सी टैक्सी है, कुछ इस तरह की गाड़ियाँ चलती है बाबा आजम के जमाने की। तो जो भी अमाउंट इस ऐप में लिखा हुआ आएगा इतना ही पे करना है, कोई बढ़ेगा नहीं घटेगा नहीं कुछ भी। जैसे दुबई वाली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि मीटर लगा होता है ट्रैफिक होगा या फिर अगर लेट होंगे तो मीटर में पैसे भी बढ़ते जाते हैं, बट यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। अब देखो रोड पे ट्रैफिक है, भले ही लेट हो जाए बट इतने ही पैसे देने हमने स्टिल। यार चर्च का टाइम ना 5:30 बजे तक ही दिखा रहा है और टाइम देखो 4:45 हो गए, तो बस ये ट्रैफिक में अटक ना जाऊं मैं। शुक्र है भाई टाइम पे पहुंच गया, अभी आधा घंटा है। भैया ने मुझे टॉफी भी दी देखो, और मैंने 30 तो मान ही दे दिए पूरे, अब खुले क्या ही लेता 2-4 रुपए। बड़ी अच्छी सी स्ट्रीट लग रही है, मतलब लोग देखो वॉक करके जा रहे हैं, मतलब साफ सुथरा। ये देख सकते हो आप सामने चर्च, आगे से इसका गेट होगा। एंड थोड़ी ना वेस्टर्न कंट्रीज वाली फील आ रही है इस एरिया से, है ना, जैसे शॉप्स वगैरह बनी हुई है जो ये ना चर्च वाला एरिया है, तो क्रिश्चियन लोग ज्यादा दिखेंगे आपको यहाँ पर। सामने कुछ शॉप्स भी है। एंड ये रहा भाई चर्च की एंट्रेंस। 2 मिलियन तो मान की टिकट है, थैंक यू। यहाँ पे भी लिखा हुआ है आप देख सकते हो, 2 मिलियन मतलब 200 तो मान हो गए यहाँ के, इंडिया के वही 320 रुपए। थैंक यू। ये देख लो भाई कुछ इस तरह का ये पूरा कॉम्प्लेक्स है, काफी शांति है भाई एक्चुअल में। ये ना एक अर्मेनियन चर्च है जो कि के लोकेटेड है न्यू जुल्फा डिस्ट्रिक्ट में। चर्च के नाम में जो वैंक वर्ड है ना वो डिराइव हुआ है अर्मेनियन वर्ड मोनेस्ट्री से। चर्च का एक्सटीरियर मोडेस्ट येलो ब्रिक से बनाया गया है। एंड भाई इसको बाहर से देख के जज मत करना, अंदर से देखो, इसका जो इंटीरियर है वो ट्रू मास्टरपीस है आर्ट का। यहाँ पर आप कुछ सीन्स भी देख पाओगे कैसे अर्मेनियंस टॉर्चर हुए थे ऑटोमंस के द्वारा। एंड ये जो ऊपर की तरफ भाई ब्लू एंड गोल्डन टाइल्स का कॉम्बिनेशन है ना, ओहो हो, अलग ही एटमॉस्फेयर बना देता है चर्च के अंदर। एंड भाई ये चर्च ना वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर टूरिस्ट डेस्टिनेशन है इस्फान की। जितने भी इस्फान में टूरिस्ट अट्रैक्शन है ना वो ज्यादातर शाह अब्बास के रूल के टाइम पे ही बनाए गए थे। एंड इन्होंने ही ना पर्शियन एम्पायर की कैपिटल को काजवीन से इस्फान शिफ्ट किया था 1598 में। ये जो चर्च है ना 1606 में एस्टेब्लिश किया गया था लाखों अर्मेनियन डिपोर्टीज के लिए जो ईरान आए थे ड्यूरिंग द ओटोमन वॉर। एंड इसकी जो कंस्ट्रक्शन है ना वो कम्प्लीट हुई थी 1655 से 1664 के बीच। बाकी यह द अर्मेनियन म्यूजियम ऑफ न्यू जुल्फा। म्यूजियम के अंदर अगरबत्ती की इतनी अच्छी खुशबू आ रही है ना, वर्ड्स में समझा नहीं सकता, बस फील ही कर सकता हूँ मैं। ये जो बेल टावर है ना 1702 में बना था बाय द एफर्ट्स ऑफ होनाजन जमालियन। 2 फ्लोर में इसको बनाया गया था एंड 4 स्टोन पिलर्स पे। जो नीचे वाली फ्लोर है ना यहाँ पे रिलीजियस एक्टिविटीज की जाती थी, एंड जो ऊपर वाली है फ्लोर उस पे घंटी लगी हुई है अनाउंसमेंट्स करने के लिए। चलो जी चर्च हो गया, अंदर एक गैलरी भी थी जहाँ पे काफी सारी पेंटिंग्स वगैरह रखी हुई थी। सारी चीजें दिखाऊंगा तो फिर बोरिंग हो जाएगा व्लॉग, इसलिए मैं दिखाता नहीं हूँ, खुद एक्सपीरियंस कर लेता हूँ। बट सही में यार ये चर्च के बाहर की स्ट्रीट ना बहुत सुंदर है, मतलब अलग सी फीलिंग आ रही है, ऐसा लग ही नहीं रहा ईरान में हूँ मैं इस टाइम पे। चारों तरफ मुझे क्रिश्चियंस ही क्रिश्चियंस दिख रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि कैफे देखो कितना सही लग रहा है ना। अभी भूख तो है नहीं वरना मैं जाता जरूर। बाकी इंडियन खाने की बात करें वेजिटेरियन या नॉन वेजिटेरियन, तो देखो कुछ कुछ सिटीज में ना इंडियन रेस्टोरेंट है, जैसे शिराज में था, खान में पहले होता था बट अब नहीं है। एंड अभी मैं तेहरान में हूँ इसलिए मैं ये क्लिप ना उस वाली वीडियो में डाल रहा हूँ, क्योंकि तेहरान में 3-4 रेस्टोरेंट है, एक ताजमहल के नाम से, एक चिंगारी रेस्टोरेंट है, यहाँ पे पता लगाते हैं भाई इंडियन फूड कितने का है। वैसे तो सस्ता ही है, शिराज में भी सस्ता था, फिर भी आपको एक बार दिखा दूं वेजिटेरियन लोगों के लिए, वरना यहाँ का लोकल फूड तो ज्यादातर नॉन वेज ही होता है, वो अलग बात है। फलाफल वगैरह खा सकते हो आप वेजिटेरियन लोग, बट हर रोज फलाफल कौन ही खाएगा, इंडियन रेस्टोरेंट जाने की तलब मचती है मुझे पता है। तो इसलिए आज मैं आ गया हूँ पहले चिंगारी रेस्टोरेंट में, लेट्स गो भाई खाना टेस्ट करते हैं इनका एंड प्राइसेस भी देखते हैं। पूरा इंटीरियर वगैरह भी आप देखोगे ना भाई इंडियन स्टाइल ही है प्रॉपर। वेजिटेरियन मेन्यू देख लो भाई ये सारा है, अभी प्राइसेस नहीं लिखे इसमें, मैं बता दूंगा थोड़ी देर में। राइस में बासमती मिल जाएगा, बाकी चिकन की तो बहुत ही सारी वेरायटी है, पॉज करके पढ़ लेना। सबसे मेन यहाँ रोटी मिल जाती है बटर नान हुए मजेदार, भाई मैंने कल खाया था बहुत टेस्टी था। खाने में टोटल 1 बटर चिकन, 2 बटर नान, 1 बासमती राइस एंड 1 कढ़ाई वेजिटेबल लिया था। का टोटल बिल 830 तोमान, यानी कि इंडिया के अराउंड 1600 रुपए के आसपास आया। सही है यार, मतलब 800 रुपए पर पर्सन में अच्छे से खाना खा सकता है एक बंदा। हालांकि ये वाला थोड़ा महंगा है, शिराज में जो इंडियन रेस्टोरेंट था वो इससे भी सस्ता था, बट टेस्ट इसका ज्यादा बेटर है, मतलब प्योर इंडियन जो लगता है ना वैसा।
तो अभी ये मोनार जोन बांध जाने के लिए मैंने बुक करी टैक्सी, यहाँ से लगभग 9.4 किलोमीटर है। एंड पैसे देखो सिर्फ 3,10,000 रियाल यानी कि 31 तोमार, इंडिया के 50 रुपए केवल। तो देख रहे हो 10 किलोमीटर टैक्सी करने के लिए 3,10,000 लग रहे हैं। लो भाई पहुंच गए हैं अपनी डेस्टिनेशन पे। थैंक यू बाय। यार पोपट हो गया अपना, यहाँ पर आकर देखा तो गेट बंद पड़ा है, जबकि गूगल पे टाइमिंग लिखी है कि रात के 11 बजे तक खुला होता है। तो मुझे लग रहा है आज कुछ ऑफिशियल छुट्टी होगी शायद। क्या यार इतनी फेमस टूरिस्ट अट्रैक्शन है ये यहाँ की, मतलब कहाँ कहाँ से लोग इसे देखने आते हैं। मैं इस्फान में होते हुए भी देख नहीं पाया, बताओ। सैटरडे आज इसलिए तो नहीं बंद कह नहीं सकते, पर गूगल पे दिखा रहा है यार ओपन, पता नहीं क्यों कर रखा बंद। कोई नहीं, चलो यहाँ पे पार्क है, यहीं बैठ के आपको थोड़ी फोटोज डाल के बताता हूँ है क्या। यहीं से थोड़ी सी झलक देख लो, ये रहा सामने। बेसिकली जैसे भारत में इंडिया गेट है, गेटवे ऑफ इंडिया, उसी तरह का एक यहाँ का ये स्ट्रक्चर या मोन्यूमेंट है। एक्चुअल में श्राइन है ये, किसी की ग्रेव के ऊपर इसे बनाया गया है। इसकी कंस्ट्रक्शन ना 14th सेंचुरी में शुरू करी गई थी, अम्मू अब्दुल्ला सोकला की ग्रेव को कवर करने के लिए। बिल्डिंग को ना डार्क ब्लू टाइल से कवर करके डेकोरेट किया गया है। तो बेसिकली इसमें एक बिल्डिंग है और ऊपर ना 6-6 मीटर के दो टावर से बने हुए हैं। इनको भाई शेकिंग टावर्स भी बोलते हैं, क्योंकि ये जो टावर है ना, देखो अगर ऊपर से कोई इसे हिलाता है या शेक करता है तो सेम टू सेम भाई इसके सामने वाला टावर भी शेक होता है। पहले के जमाने में ना थोड़ा सा अंधविश्वास था, तो उस टाइम पे लोग सोचते थे कि यहाँ पे सूफी जो है ना उसकी स्पिरिट इनको शेक कर रही है। बट बाद में ये प्रूव हुआ कि इनको बनाया ही ऐसे गया है कि ये शेक होंगी अगर एक भी शेक होता दोनों में से। तो काफी यूनिक कंस्ट्रक्शन है ना, देखना चाहता था यार। और इसके ना अंदर से ऊपर भी जा सकते हैं, उन पिलर्स में सीढ़ियां बनी हुई है, वहां जाना चाहता था। बट कोई नहीं भाई, किस्मत में जो होता है वही मिलता है ना। तो देखो बच्चे फुटबॉल खेल रहे हैं, एंड काफी ना हरा भरा एंड शांत सा एरिया है। थोड़ी देर यहीं बैठ जाते हैं, अब टैक्सी करके कौन जाएगा भाई वापस इतनी जल्दी, बताओ। इतनी दूर आया हूँ 10 किलोमीटर, और ये महाराज जी बंद पड़े हैं, बताओ। यार वोफल्स खाने के लिए ना एक कैफे की तलाश में आया हूँ, बट मिल नहीं रहा। और ये स्ट्रीट बहुत सुंदर सी है, शॉपिंग स्ट्रीट लग रही है, मतलब काफी लोग हैं यहीं के लोकल जो शॉपिंग करने आए हैं, खाने पीने आए हैं। बट मुझे तो ये वाला कैफे ढूंढना है, पूछना ही पड़ेगा किसी से। मुझे जहाँ तक लग रहा है इस वाली बिल्डिंग के अंदर है, लेट्स सी एक बार चल के। कुछ मॉल टाइप का है ये। हाँ ये रहा बोर्ड लग रहा ना, ऊपर है शायद, लिफ्ट से जाना पड़ेगा। मैंने रेटिंग देखी इसकी, काफी सही लग रही है यार, और वोफल्स खाने का मन भी था वो टाइम से। मिल गया जी मिल गया, थोड़ा फैंसी सा लग रहा है रेस्टोरेंट, महंगा तो होगा, तो आपको प्राइस भी बता दूंगा। कैफे में मैंने भाई एक चोको लावा केक और एक चिकन पास्ता लिया था, साथ में दो पानी की बोतल एंड एक एक्स्ट्रा आइसक्रीम का स्कूप। मजा आ गया भाई खा के, टेस्ट तो एकदम तगड़ा था पूरा, ऐसे इंडिया की याद आ गई। बिल भी भाई सिर्फ 424 तोमान यानी कि इंडिया के 700 रुपए आया है, सही है यार। और पास्ता इतना ज्यादा था क्वांटिटी वाइज, एक बंदा तो खा ही नहीं सकता था किसी भी हालत में, इसलिए मेरे से जितना खाया गया ठीक है, मैंने बाकी पैक कर लिया, अब जाके होटल में खाऊंगा मस्त रात को। एंड अब तो स्ट्रीट पे भाई बहुत भीड़ हो गई, काफी लोग आए हुए हैं। मुझे ऐसा लग रहा है ये एरिया ना थोड़ा पॉश एरिया है इस्फान का, मतलब काफी अमीर अमीर से लोग लग रहे हैं आए हुए। कैफे में भी अमीर अमीर से लोग दिख रहे थे चारों तरफ। जिस हिसाब से खाना टेस्टी था, प्राइस कुछ नहीं था ज्यादा। वाह क्या बात है, ईरान में पहली बार देख रहा हूँ कि लोग रोड क्रॉस कर रहे हैं ज़ेब्रा क्रॉसिंग से, वरना तो एम ही मटक जाते थे कहीं से भी। मैं फिलहाल भाई रिचार्ज के लिए कोई दुकान ढूंढ रहा हूँ, बट मिल के ही नहीं दे रही, काफी देर से चले जा रहा हूँ। है तो ये मार्केट अच्छी, मतलब बिल्कुल ना ऐसे सिटी सेंटर सा लग रहा है, हैपनिंग सी जगह है बड़ी। मोबाइलों की दुकान बहुत है लेकिन सिम कार्ड नहीं है किसी के पास, पता नहीं क्या दिक्कत है। तो लगभग भाई ये 700 ग्राम चावल ले रहा हूँ मैं, 69 तोमान यानी कि इंडिया के 110 रुपए के आसपास। होटल में बना लेंगे भाई चावल, हमारे पास सब कुछ जुगाड़ है क्योंकि। चलो भाई इन्हीं के पास रिचार्ज भी मिल गया, 7 GB। हाउ मच तोमान? यहाँ पे रिचार्ज जो है वो फोन से ही हो जाता है। वेट बस ये अपने कार्ड डिटेल्स वगैरह उसमें डालते हैं तो वहीं से रिचार्ज कर देते हैं। अब देखते लेंगे कितना 7 GB का, क्योंकि बंदर इंडिया बंदर आवास में 30 तोमान लगते थे, हमारे 7 GB में मतलब कोई 45 रुपए, यहाँ मेरे को लग रहा है महंगा होगा। तो रिचार्ज करवा रहा हूँ मैं यहाँ पे भी किंडल जो है। हाउ मच फॉर दिस? 65 इंडिया के 110 रुपए का। बहुत महंगा है क्योंकि इम्पोर्ट हो रहा होगा ना ये, इसलिए। एंड ईरान में ना भाई अल्कोहल तो बैन है, इसलिए यहाँ पे इस तरह की ड्रिंक्स बहुत बिकती है, जैसे कि फ्रूट बियर और बाकी जूसेस वगैरह, तो ये बहुत सस्ती मिल जाएगी आपको यहाँ पर। और जब भी आप किसी ऑफिस वगैरह पे जाओगे ना तो आपको वो ऐसी ऑफर कर देते हैं, जैसे कि ये वाली है और एक दो इनकी और एनर्जी ड्रिंक आती है जापान की, तो वो मतलब खातिरदारी के उसमें समझ लो दे देते हैं। बाकी देखो यहाँ पे कोका कोला स्प्राइट ये सब कुछ आपको मिल जाती है, वो ये यहाँ पे रेट तो लिखा नहीं हुआ, मैं वैसे ही पूछ के बता देता हूँ। चांदास आई नो सम वर्ड्स लाइक मर्सी सलाम 19 ओके। तो ये 19 तोमान के यानी कि इंडिया के 35 रुपए की। एंड दिस 330 बड़ी वाली बोतल है 30 तोमान की यानी कि इंडिया के वही 55 रुपए। तो ठीक है इतनी महंगी नहीं है ये सब, काफी सस्ती है। तो फिर पानी की बात कर रहे थे ना भाई, अब आप खुद हिसाब लगाओ, ये 1.5 लीटर की जो बोतल है यहाँ के 4 तोमान की है यानी कि इंडिया के 8 या 7 रुपए 1.5 लीटर है, ये याद रखना। जैसे कि मैंने आपको बताया डीजल यहाँ पे है केवल और केवल 3 तोमान पर लीटर यानी कि इंडिया के 7 रुपए। तो यहाँ पे डीजल सस्ता है भाई पानी से भी, बताओ। अलग ही
लेवल का देश है भाई, छोटी वाली ले लेता हूँ एक बोतल पानी की, है तो और सस्ती होगी। छोटी जितनी लोग है ना आप उतनी ही ज्यादा आपको महंगी पड़ेगी, तो कोशिश करना बड़ी बोतल लेने का, वो ज्यादा सस्ती पड़ती है। न्यूटेला भी है यहाँ पे, अब ये इंडिया में पता नहीं कितने का है, इनसे पूछते हैं। 235,000 ओके, तो वही 235 तुमान का न्यूटेला है यहाँ पे, या फिर रियाल में बताऊँ तो 23,50,000 का है ये न्यूटेला। यहाँ इंडिया के बनते हैं अराउंड 400 रुपए। आप बताना कमेंट सेक्शन में इंडिया में न्यूटेला कितने का, मुझे नहीं पता क्योंकि और भी चीजें है भाई इधर, बाकी यहाँ के लोकल ब्रांड्स ही है ज्यादातर। पर ये सनसिल्क मिल गया भाई, क्या बात है, डव भी है यार यहाँ तो। यार यही रेट लिखे होते ना मैं आपको बताता जाता, अब इनसे बार बार पूछ के फायदा नहीं है, ऐसे अच्छा नहीं लगता ना। बाकी कपड़े धोने वगैरह वाले भी काफी सारे है अपने, जैसे टाइड एरियल चलता है इनके यहाँ पे, चलता है एक ये टाइड की कॉपी हो गई, टेस्ट नहीं, कॉपी तो नहीं है पर ब्रांड का नाम है टेस्ट। अरे ये रहा ना, इमली लेते हैं, आम पापड़ जैसे हमारे इंडिया में मिलते हैं ना, यहाँ पे ये मिलते हैं, टेस्ट अच्छा है पर एग्जैक्ट इंडिया वाला नहीं है। इमली मिल गया ना, ये इमली है क्या, एक ले लेता हूँ, पता नहीं क्या चीज है, लग तो कुछ खट्टा खट्टा सही रहा है। तो मैंने टोटल ना 12 GB वाले 5 रिचार्ज करवाए, यानी कि 60 GB इंटरनेट, और 12 GB इंटरनेट का प्राइस है यहाँ पे 45 तुमान, यानी कि इंडिया के 75 रुपीज, तो मुझे लगभग 60 GB पड़ेगा 350 रुपए का इंडिया का, बहुत सही है। बट अगर आप यहाँ के हिसाब से देखो भाई, तो 4,50,000 रियाल का सिर्फ 7 GB इंटरनेट मिल रहा है। हालांकि इंडिया के वो बहुत कम ही हुए, बट स्टिल यहाँ पे नंबर सुनने में बहुत बड़ा सा लगता है ना, ऐसे फट जाएगी जी की सुने तो। बाकी नेस्कैफे की कॉफी भी है यहाँ, जितनी भी चीजें इंपोर्ट हो रही है ना यहाँ पे वो महंगी ही होगी अपने इंडिया से। किंडल जो एक एग्जांपल देख लो भाई कितना महंगा, ओरियो बिस्किट है ये 58 तुमान का, या फिर रियाल में बताऊं तो आपको 5,80,000 का, इंडिया के बने 100 रुपए। यहाँ पे ना कॉफी बहुत बिकती है, लोग तो हर ऐसे छोटे मोटे स्टोर पे भी ना एक कॉफी रेडीमेड आपको मिल जाएगी बहुत सस्ती, मतलब 7-8 तुमान में मस्त एक कप कॉफी पी लो। एंड साथ ही साथ में यहाँ के लोगों को तंदूर या बारबेक्यू करना बहुत पसंद है, इसलिए देखो इस तरह के कोयले बिकते हैं। हाउ मच फॉर दिस 1 kg? 130,000 Yes. तो 130, ओके, तो 130 तुमान का 1 किलो कोयला मिल जाता है, यानी कि केवल और केवल 200 रुपए में। आई डोंट नो इंडिया में क्या रेट है, ये भी किसी को पता हो तो बता देना, ताकि मेरे लिए भी ना कमेंट्स में पढ़ता रहता हूँ और पता चल जाएगा यहाँ सस्ती है या महंगी है। साथ में जो लोग वीडियो देख रहे हैं और कमेंट्स पढ़ रहे हैं उनकी भी हेल्प हो जाएगी कंपैरिजन के लिए। बाकी भाई अभी रिचार्ज में ही लगे पड़े हैं, इनका नाम अली है और इनको भी ट्रैवल करना बहुत पसंद है, थोड़ी बहुत इंग्लिश आती है तो बातचीत चल रही है, बाकी ट्रांसलेटर का यूज कर लेते हैं हम गूगल से, तो बातचीत हो ही जाती है। अभी मैंने इनको बताया कि हम गाड़ी में आए हुए और ऐसे लंदन जा रहे हैं, तो बड़ा खुश से हो गए, कह रहे आई ऑल्सो लाइक ट्रैवलिंग, और पूछ भी रहे थे कि इंडिया आने का क्या प्रोसीजर, तो मैंने इनको समझा दिया कि कैसे कैसे वीजा ऑन अराइवल ले सकते हो कुछ कंट्रीज के लिए, और ईरान वालों के लिए मुझे नहीं पता, तो मैंने कहा वो आप सर्च कर लेना। चलो जी सारा सामान हो गया है, रिचार्ज भी हो गया, भाई को अपना चैनल सब्सक्राइब करवा देते हैं, हालांकि समझ तो नहीं आएगा कुछ भी हिंदी में, बट स्टिल एक सब्सक्राइबर ईरान से भी हो जाएंगे हमारे। इंस्टा पे तो भाई ने फॉलो कर ही लिया, यस दिस यस सब्सक्राइब, थैंक यू सो मच, मर्सी, ओके, वेरी हैप्पी फॉर सी यू, मी टू, ओके ब्रदर, बाय बाय, या बाय, थैंक यू भाई। चलो भाई रिचार्ज की टेंशन थी मेन, वो टेंशन तो गई, अब चलते हैं कुछ नया देखने यहाँ इस फोन में। तो भाई पहुंच गया हूँ मैं सियोसो पोल ब्रिज, ये देख रहे हो भाई साहब क्या मस्त है यार नजारा, लाइट लाइट जली हुई है और रात को ही आने का नजारा दिखता है सामने, देखो कोई कह सकता है भाई ये ईरान की सिटी है कोई, देखना कितनी लाइटें लाइटें यहाँ भी पूरा मस्त, ऐसे ट्रैफिक टूरिस्ट है यहाँ, लोकल ही होंगे ज्यादातर लोग। तो ये ब्रिज ना 17th सेंचुरी में बनाया गया था और एज अ ब्रिज एंड डैम दोनों की तरह काम कर सके। इस ब्रिज की टोटल लेंथ भाई 300 मीटर की है, काफी भीड़ भी लगी हुई है हर जगह, आप देखोगे ना लेफ्ट राइट में लड़के लड़कियां बैठे हुए मस्त ऐसे, एंड काफी सारे फैमिली वाले भी आए हुए हैं, और ब्रिजेस के लेफ्ट एंड राइट साइड में छोटे छोटे ऐसे पैसेज से बने हुए जहाँ पे ये ऑरेंज कलर की लाइट्स है, एंड साथ ही साथ में ये लोहे की ना वायर भी लगा रखे ताकि कोई नीचे ना गिर जाए। हाइट इनके काफी छोटी है, ऐसे झुक झुक के जाना पड़ रहा है साइड वाले पैसेज में से, वैसे मेन वाला ब्रिज तो मस्त है। और यार आज हवा नहीं चल रही यहाँ पे तो गर्मी सी लग रही है, इतनी भी गर्मी नहीं है वैसे तो, इसमें ठंडा ही है। ये देखो भाई ऐसे पैसेज चलता जा रहा है एंड तक पूरा, नो डाउट भाई काफी अच्छा ब्रिज है, एंड सबसे अच्छी चीज साफ सुथरा रखा हुआ है बिल्कुल। यहाँ पे ईरान में भी भाई छपरी लोग है, लड़के लड़कियां दोनों ऐसे, और मेरे को लगता है यार ईरान की ना छवि सबके मन में ये बनी हुई है कि काफी पिछड़ा हुआ देश है, काफी सोच इनकी वैसी होगी, बट ऐसा नहीं है भाई, बहुत मॉडर्न कंट्री है, लोग भी यहाँ के बहुत मॉडर्न है। प्रोटेस्ट के बारे में मैं ज्यादा कुछ बोलना नहीं चाहता, बट ओवरऑल जितने भी मैं लोगों से मिला हूँ सब अच्छे थे भाई। चलो जी चलते चलते मैं ब्रिज के दूसरी साइड आ गया हूँ, अब यहीं से टैक्सी बुक करके होटल जाता हूँ सीधा। काफी घूम लिया भाई आज मैं, 3 जगह चला गया, उसमें से एक तो खुली नहीं हुई थी, खैर वो अलग बात है। आज सैटरडे नाइट है इसलिए शायद से ज्यादा लोग है यहाँ पर। ब्रिज के जस्ट नीचे ये पार्क है, एंड यहीं पे बैठ के भाई मैं अपनी टैक्सी का वेट कर रहा हूँ। बाकी मैंने आपको काफी सारी चीजें दिखाई दी है, रेट बताई दी है, बाकी आप खुद जज कर ही लोग
करोगे कि ईरान इंडियन टूरिस्ट के लिए सस्ता है या महंगा है। मैं अपना ओवरऑल वर्डिक्ट बताऊं तो ईरान सस्ता है, होटल सस्ते मिल जाते हैं, खाना सस्ता है यहाँ का, बस जो चीजें इंपोर्ट होती है ना वो सब महंगी है, जैसे कि गाड़ियां हो गई या खाने पीने की ऐसी आइटम जो बाहर से आती है वो चीजें महंगी मिलेगी। इसके अलावा इंटरनेट भी सस्ता ही है, मतलब इंडिया से तो सस्ता नहीं है बट है सस्ता एज कम्पेयर टू दूसरी कंट्री। बट ये रिस्ट्रिक्शन बहुत है यहाँ पे, अपना आधी से ज्यादा वेबसाइट्स नहीं चलती, VPN यूज करना पड़ता है, तो वो प्रॉब्लम की बात है। इसके अलावा इंडियन रेस्टोरेंट भी हर सिटी में नहीं है, जैसे कि इस्फान में नहीं है, शिराज में था और तेहरान वाला भी मैंने आपको दिखाया, और मेरे हिसाब से सस्ता है भाई। शिराज में इतना सस्ता इंडियन रेस्टोरेंट था, मतलब उतना खाना तो इंडिया में भी सस्ता नहीं होगा। तो ठीक है, बाकी इस वाले व्लॉग के लिए इतना ही रखते हैं, मिलता हूँ जी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय, एंड एज ऑलवेज तीखे रास्तों पर नहीं पड़ना फीका। बाय।